बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि तनख्वाहों में तो इजाफ़ा कर दिया गया है 35% और 30%, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे रूल जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसकी वजह से जितना फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा उल्टा भी पड़ सकता है, यानी फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो जो तरीक़ाकार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं नए, और जिसकी वजह से मुलाज़मीन को नुकसान हो सकता है बल्कि हो रहा है, तो वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्लैब रेट, जो हैं स्लैब रेट्स इनकम टैक्स के। तो साफ ज़ाहिर है, जब 35% या 30% तनख्वाह बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से आप फिर इनकम टैक्स की जो नेट है उसमें आ जाएंगे, तो आपकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। 6 लाख तक जो है ना वो छूट है, टैक्सेबल इनकम यानी 6 लाख के अंदर अंदर हो तो फिर टैक्स नहीं लगता, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगी आपकी इनकम सालाना, 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक, तो फिर 2.5% जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी, 6 लाख से ज़ायद अमाउंट होगी, उस पर 2.5% आप पर टैक्स लगेगा। तो ये सिर्फ एक अलाउंस दिया गया है, बेसिक जो रनिंग बेसिक पे है उस पर, लेकिन आपको जो इनकम टैक्स लगेगा वो तमाम तनख्वाह पर लगेगा जो आप रिसीव कर रहे होंगे, तो इस वजह से साफ ज़ाहिर कटौती ज़्यादा होगी। तो जिनकी तनख्वाह मंथली 50,000 हो जाएगी तो वो साफ ज़ाहिर टैक्स नेट में आ जाएंगे, तो उनकी तनख्वाह कटना शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम इस वक्त 45,000-46,000 ले रहा है लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा, तो अगर साफ ज़ाहिर 35% उसकी तनख्वाह बढ़ेगी तो 50,000 से वो एक्सीड कर जाएगा, तो वो इनकम टैक्स नेट में आ जाएगा, तो उसकी तनख्वाह में से टैक्स कटने लग जाएगा। 12 लाख से लेकर 24 लाख तक है 15,000 रुपया फिक्स टैक्स, और जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 12 लाख से ज़ायद, उस पर 12.5% जो है ना वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉज़ के लिए लीव इनकैशमेंट का और LPR का जो रूल है उसमें तब्दीली कर दी है, रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 जो है उसमें तरमीम कर दी है, जिसकी वजह से अब लीव इनकैशमेंट जो है ना वो पहले जो बेसिक पे होती थी आपकी जो ले रहे होते थे करंट जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसकी बजाय इसको इन्होंने इनिशियल बेसिक पे ऑफ द पे स्केल कर दिया, यानी इब्तदाई जो स्टेज है किसी पे स्केल की, तो उसके मुताबिक इसको जो है वो कर दिया गया है। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, मैं आपको समझाता हूँ कि कितना नुकसान हो सकता है। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, ग्रेड 11 में काम कर रहा है, बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो रिटायर होना चाह रहा है, 51,400 रुपया इंक्रीमेंट लग लग कर इतनी उसकी तनख्वाह हो गई है बेसिक पे। तो अब जो प्रीवियस रूल था उसके मुताबिक 51,400 को 12 से ज़रब दे देते थे, एक साल की तनख्वाह मिलती थी 12 से ज़रब दी, और 6,16,800 रुपया लीव इन कैशमेंट उसको अदा कर दी जाती थी। लेकिन अब जो नया रूल आया है, अमेंडमेंट की गई है, उसके तहत अब ये होगा कि 11वें स्केल की जो इनिशियल स्टेज होगी, इब्तदाई जहाँ से स्केल स्टार्ट होता है, वो है 18,650, तो इसको अब 12 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये बन जाएगी 2,23,800। तो डिफरेंस या लॉस आ गया, 6,16,800 पहले मिलता तरमीम से पहले, अगर तरमीम ना होती तो, चूंकि अब तरमीम हो गई है, कानून लागू हो गया 1 जून 2023 से, तो 2,23,800 इनको मिलेगा। तो इस तरीके से ग्रेड 11 के इस मुलाजिम को 3,93,000, 4 लाख के करीब जो है वो नुकसान होगा माली तौर पर। इसके अलावा जो तीसरा प्लान है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, 1 जुलाई 2023 के बाद जो नोटिफिकेशन जारी होगा वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो रहमान अली बाजो साहब हैं चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा, उनकी इतलात के मुताबिक जो कम्यूटेशन रेट है जो पहले 35% था, अब उसको कम करके उसको 25% की स्टेज पर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है रिटायरमेंट के मौके पर जो ग्रेजुएटी मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलती है, तो उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी, 10% कमी हो जाएगी, ये भी तकरीबन लाखों का नुकसान बनता है। तो गवर्नमेंट जहां एक तरफ तनख्वाहों में इजाफ़ा करती है, वहीं दूसरी तरफ जो है ना वो इस किस्म के भी प्लान इंट्रोड्यूस करा देती है कि जिसकी वजह से मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा ना हो सके मुलाजमीन को,
और वो कोई ना कोई तरीका कार सोचते रहते हैं कि किस तरह इनकी तनख्वाहों में से कटौती की जाए। तो ये अभी मुख्तलिफ किस्म के प्लान सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स और लीव इनकैशमेंट का तो साफ ज़रा इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जो दूसरा प्लान है तीसरा कम्यूटेशन के हवाले से, तो वो अभी जो है ना उसके बारे में इतलात हैं, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल है अब तक की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर